हाँ जी हैं हाँ मरते हैं वो ज्ञान में नहीं चलते हैं, लेकिन एक आदमी चलते हैं वो मर जाते हैं तो वो खाना ले जाकर देते हैं पैसा की ये तुम लोग खा लो, ऐसा अच्छा है क्या? लौकिक में जो मरते हैं लौकिक दुनिया में, हमारी तो अलौकिक दुनिया हो गई क्या? हमारी जो ज्ञान की दुनिया है, ज्ञान में चलने वाले ब्राह्मणों की दुनिया है, ब्रह्मा के बच्चों की दुनिया है, वो तो अलौकिक दुनिया हो गई। लेकिन जिन्होंने इस ज्ञान को नहीं लिया है वो तो लौकिक दुनिया के हैं। वो लौकिक दुनिया में जब मरते हैं तो स्थूल मौत मरते हैं या बेहद की मौत मरते हैं? एक होता है जीते जी मरना, क्या जिंदा है लेकिन जिंदा होते हुए भी अपने देह अहंकार को मार दें, जिस देह अहंकार से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांच विकार पैदा होते हैं, माने अपनी अहंकारी वृत्तियों को खलास कर दें, आत्म की स्थिति में स्थित हो जाएं, ऐसा मरना ईश्वर बाप सिखाते हैं, उसको कहते हैं अलौकिक मृत्यु। और दुनिया वालों की होती है लौकिक मृत्यु, अर्थात देह की मृत्यु होती है। जो देह मृत्यु को पाती है तो आत्मा तो जिंदा रहती है कि नहीं? आत्मा तो रहती है, तो वो समझते हैं कि देह मृत्यु को प्राप्त हुई, ये बात उनकी बुद्धि में नहीं बैठती। उनकी बुद्धि में बैठता है जो शख्सियत थी, देखने में आती थी, वो यहां से छोड़ करके दूसरे लोक में चली गई, तो उसको भोजन देते हैं कहीं भूख ही न रह जाए, तृप्त हो जाए, श्राद्ध खिलाते हैं तृप्ति के लिए, तो वो तो स्थूल बात हो गई। वास्तव में यादगार यहाँ की है, जबकि भगवान बाप कलयुग के अंत में इस सृष्टि पर आकर के हम ब्राह्मणों को अलौकिक जीवन देते हैं। इस अलौकिक जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में, पुरुषार्थ करते करते जब हम बेहद की मृत्यु को प्राप्त होते हैं, देह अभिमान से मौत, तो ऐसी मृत्यु जब हमें मिलती है तो हमको जो ब्राह्मणों का याद का भोजन है वो मिलता है। जैसे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी ब्राह्मण तो है ना, बल ऊंची कोटि के ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणों की नौकरियां होती हैं एक से एक बढ़कर के, तो वो नीची कोटि के ब्राह्मण हैं। उन ब्राह्मणों का जो मुखिया ब्रह्मा है उसकी पूजा नहीं होती है, मंदिर नहीं बनते हैं, मूर्तियां नहीं बनती हैं, तो नीची कोटि का हुआ ना। इसलिए वो ब्राह्मण जो हैं जब शरीर छोड़ते हैं मोस्टली तो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, वो सूक्ष्म शरीर धारण करने वालों को विद्या रहती है देह की चीजों की, देह के संबंधियों की, खाने पीने की इच्छा रहती है, तो उनको वो भोग लगाते हैं। वास्तव में वो भी गलत है। असली बात क्या है कि जब पुरुषार्थ करते करते हमारी आत्मा संपन्न स्टेज में पहुंचे, तो ऐसी संपन्न स्टेज में पहुंची हुई जो आत्माएं हैं देव आत्माएं कही जाती हैं, उन देव आत्माओं को याद का भोजन मिलता है। क्या? जो हम ईश्वरीय याद करते हैं वो ईश्वरीय याद का भोजन ऑटोमेटिक उनको मिलता रहता है। जैसे भक्ति मार्ग में यज्ञ करते हैं तो देवताओं को क्या करते हैं? आहुति देते हैं कि ये देवताओं को ये घी वगैरह मिले। तो ऐसे ही ये यहाँ की बातें हैं। बाकी कोई स्थूल भोजन खाने वाला होता ही नहीं है, श्राद्ध खिलाते हैं ब्राह्मण खा जाते हैं, या कोई
आत्मा आकर के खाएगी, ब्राह्मण खा जाते। ये भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा की परंपराएं हैं जो ज्ञान मार्ग में दूसरे रूप में चलती है। वास्तव में इसकी दरकार नहीं है। दरकार किस बात की है? आत्मा का जो भोजन है, ईश्वरीय याद की खुराक, उस खुराक में खुद भी मजबूत रहना और दूसरी आत्माओं को भी वो खुराक देना। ईश्वर की स्मृति वो ही असली हमारी खुराक है। ईश्वर का ज्ञान वो ही हमारी असली बरसात या ज्ञान का जल है। जितना ज्ञान हम लेंगे उतना हमारी ईश्वर की याद हमको पचेगी। भोजन पचाने के लिए क्या करते हैं, क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। पानी में ताकत नहीं होती है, लेकिन खाया हुआ भोजन अगर पानी नहीं पिएंगे तो अंदर गर्मी पैदा कर देगा। तो पानी की भी जरूरत है और खुराक की भी जरूरत है। तो जो जो संपन्न स्टेज को जाते हैं, जीते जी मरते हैं, उनको याद का भोजन चाहिए। क्योंकि याद शरीर रहते रहते जितना ईश्वर को याद कर लेंगे वो याद ही काम आती है। शरीर छूटने के बाद पुरुषार्थ नहीं होता। और है बाप ने बोला है तुम बच्चों को खुशी खुशी में शरीर छोड़ना है, ये कब? संगम युग है, मौजों का युग। क्या? रावण का युग है, रोने का युग। रावण रुलाता है तो रोने का ही युग होगा ना। और भगवान बाप तो राम नाम है उसका, रमण कराता है। योगी लोग जिसकी स्मृति में रमण करते हैं, खेलते हैं, प्रसन्न रहते हैं, वो है राम। रम्यते योगिनो यस्मिन्निति राम। भगवान राम उसका काम है हंसाना, खुश करना। तो जहाँ खुशी रहेगी वहाँ संगम युग में मौज ही मौज है। कब? जब भगवान का ज्ञान धारण करेंगे। अज्ञान में रहेंगे तो रोएंगे, क्योंकि अज्ञान आता है बाहर की दुनिया से और ज्ञान आता है ईश्वर से। तो हमारी बुद्धि में अगर ज्ञान टपकता रहे हर समय तो हम खुश मौज में रहेंगे। हमारे मौजों की शूटिंग होती रहेगी, रिहर्सल होती रहेगी। ये 84 जन्मों की रिहर्सल का टाइम चल रहा है। हमारी आत्मा की जो 84 जन्म है उन 84 जन्मों में अगर खुश मौज में रहना हो तो क्या करना है? ईश्वर की याद में रहना है, ईश्वर के ज्ञान में मस्त रहना है। ये मौजों का युग है, ये रोने का युग नहीं। अगर हम रोएंगे तो रावण का वर्षा ले रहे हैं। रावण का वर्षा लेंगे तो फिर द्वैतवादी द्वापर युग जब शुरू होगा। द्वैत द्वापर, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो मतें, दो से चार, चार से आठ, दुनिया में मत मतांतर बढ़ते ही जाते हैं। उस द्वापर कलयुगी रावण की दुनिया में हम जाकर के दुखी होते रहेंगे। इसलिए अभी भगवान के बच्चे बनने के बाद रोने की शूटिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे भगवान बाप को पहचाना ही नहीं। या परसेंटेज में पहचाना है, बाप को पूरा पहचाना नहीं है। समाधान हुआ? अरे हाँ ना, कुछ तो करो तो फिर आगे बताए। हैं? हाँ है? बाबा का एक बच्चा कम और बाबा का एक बच्चा अधिक है। दुनिया में जो भी आत्मा रूपी बच्चे हैं, मनुष्य आत्माओं की बात हो रही है, पशु पक्षियों की बात नहीं हो रही, कीड़े मकोड़ों की।
तो दुनिया में जो भी मनुष्य आत्मा रूपी आत्माएं हैं, उन आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा शिव। तो परमपिता परमात्मा शिव वो आत्मा अलग, क्योंकि वो तो बच्चों की लिस्ट में है ही नहीं, है या नहीं है? वो तो सबका आत्माओं का बाप है, बच्चा बच्चा नहीं, और उसका एक ही संबंध है आत्माओं के साथ। वो बाप है और हम सब बिंदु बिंदु आत्मा रूपी बच्चे हैं, जिस बिंदु की यादगार टिकुलिया बिंदु लगाते हैं, टीका लगाते हैं किसी यादगार में कि हमें इस स्मृति में टिकना चाहिए कि हम आत्मा हैं, तो हम उसके बच्चे हैं। तो वो तो हुआ बाप, हम सब हुए बच्चे। अब वो बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो कैसे प्रत्यक्ष होता है? ये आत्मा भी नहीं दिखाई पड़ती और आत्माओं का बाप भी दिखाई नहीं पड़ता, फिर पहचान में कैसे आएगा? जब वो आएगा ऊपर से नीचे सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाने के लिए, दुखी से सुखी बनाने के लिए, तो प्रवेश करता है। क्या? जिसमें भी प्रवेश करेगा वो माता का रूप हो गया, दुनिया की बड़े से बड़ी माँ, इसका नाम रखा गया शास्त्रों में ब्रह्मा। ब्रह्म माने बड़े से बड़ी, माँ माने माँ। अरे भगवान बाप ही जिसका आधार लेगा शक्ति रचने के लिए, तो वो माँ हुई ना। दुनिया में भी बाप होता है तो बाल बच्चे पैदा करने के लिए, शक्ति पैदा करने के लिए किसका आधार लेता है? है? जिसका आधार लेता है वो माँ हो जाती है। तो ऐसे ही वही परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आता है तो जिसका आधार लेता है, जिस तन में प्रवेश करता है, उसका नाम क्या रखता है? ब्रह्मा। तो वो तो अम्मा हो गई है, और बाकी सब क्या हो गए? है? बच्चे हो गए। तो जो बाकी सब बच्चे हो गए वो बाप हो गया। उन बच्चों में से जो आत्मा रूपी बच्चे हैं उनमें से एक को अम्मा बना दिया, उसको बच्चा कहेंगे अम्मा कहेंगे? है? अम्मा ही कहेंगे। तो वो तो हो गई अम्मा। तो जितने भी बच्चे हैं उनमें से एक कम हो गया कि नहीं? बात समझ में आ गई? किसने पूछा था? आया समझ में? हाँ। और बाबा ने एक मुरली में बोला लास्ट में हम लोग जब माउंट अबू जाएगा उधर भी हमारा परीक्षा होगा, फिर बाबा बोले क्या उधर किधर भेज देंगे, उधर परीक्षा होगा फिर हमको बुला कर लेके आएंगे। इसका मतलब हमको बुला के लेके आएंगे माना दुनिया से? लड़ाई मैदान में हमको छोड़ देंगे। ऐसा है, भक्ति मार्ग में एक कहावत है, तप कर राज, राज कर नरका। तपस्या करते हैं तो राजा बनते हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो राजा बनेंगे, और राजा जब बनते हैं तो अहंकार में आते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है? राजा को नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा? नरक मिलेगा। तो तप कर राज, राज कर नरका, ये हिसाब है। ये कहाँ का हिसाब है, कहाँ इसका बीज आरोपण होता है, ये इस हिसाब की शुरुआत कहाँ से होती है? जब भगवान इस दुनिया में आता है, जब आता है तो उस दुनिया में आकर तुम हम बच्चों को बताता है कि बच्चे तुम जो ब्राह्मण हो उन ब्राह्मणों का ओरिजिन स्थान जहाँ से ब्राह्मणों की सृष्टि की शुरुआत हुई वो है माउंट आबू, जहाँ ब्रह्मा का कार्य चलता है, वहां से ब्राह्मण शुरू हुए। वो ब्राह्मण जब संपन्न तपस्या की स्टेज पर पहुंचते हैं तो अपनों को क्या समझते हैं? बिंदु आत्मा।
ऐसी बिंदु बिंदु आत्माएं जो बनते जावेंगे वो वहां इकट्ठे होते जावेंगे। षष्टि के अंत काल में, महाविनाश के काल में। क्यों? क्योंकि वही एक ऐसा पहाड़ है दुनिया में जो एक ही ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है, बहुत गहरा पत्थर है। षष्टि रूपी रंगमंच पर बड़े से बड़े भूकंप आवेंगे तो वो नष्ट नहीं होगा। अंतिम चर्म विनाश की सीमा को छोड़कर तब तो सारी दुनिया ध्वस्त हो जाएगी, लेकिन जो और भूकंप आते रहेंगे, ये एटम बम बने हैं वो फटते रहेंगे शहर शहर में, जमीन हिलती रहेगी, लेकिन वहां बाल बांका नहीं होगा। दुनिया को इस बात का पता नहीं है। ऐसे ब्राह्मणों की जो संगठन रूपी सृष्टि है वो एक प्रकार से इस दुनिया के बीच में भगवान का धाम बन जाता है। भगवान के धाम को कहेंगे साकार परम धाम। क्या कहेंगे? साकार। निराकार तो वो है जहां से आत्मा इस सृष्टि पर आ रही है, आती है लेकिन जाती जाती नहीं है, सबको जाने का रास्ता भूल जाता है। तो दुनिया की आबादी बढ़ रही है घट रही है? क्यों बढ़ रही है? ऊपर से नीचे आ रही है। मनुष्य की हिस्ट्री इस बात को जानती है कि दुनिया की आबादी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही। क्यों बढ़ रही है? अरे आत्माएं लगातार आ रही है, वापस जाने का किसी को रास्ता नहीं मालूम, इसलिए आबादी बढ़ रही है। तो वो हुआ निराकारी धाम, और इस सृष्टि पर भी होता है भगवान का धाम माउंट आबू, जहां से ब्रह्मा की सृष्टि ब्राह्मण निकलते हैं। वो ब्राह्मण ये नहीं कहेंगे कि जो भी माउंट आबू से निकले वो सब फर्स्ट क्लास है, नहीं, कोई फर्स्ट क्लास कोई थर्ड क्लास, नौकुरी के ब्राह्मण हैं। दुनिया में नौ बड़े बड़े धर्म हैं, जो नौ धर्म भगवान को कुछ न कुछ मानते हैं। आखिरी धर्म है नास्तिक धर्म, वो भगवान को नहीं मानता, तो नहीं मानता उसको प्राप्ति भी नहीं हो सकती। तो जो नौ धर्म हैं वो ब्राह्मणों का रूप है। उन नौ ब्राह्मण ऋषियों से ये नौ ब्राह्मणों के गोत्र पैदा होते हैं। वो नौ प्रकार के ब्राह्मण जो हैं वो श्रेष्ठ नहीं है, उनमें से अव्वल नंबर के जो ब्राह्मण हैं, जो मुसलमानों में भी आज तक गायन है अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह जब आया तो उसने दीन माने धर्म, अव्वल नंबर धर्म स्थापन किया। तो पहली कुरी के जो ब्राह्मण हैं सूर्यवंशी, ज्ञान सूर्य को फॉलो करने वाले, और किसी ग्रह को फॉलो करने वाले नहीं है, वो ज्ञान सूर्य को फॉलो करने वाले जो सूर्यवंशी ब्राह्मण हैं वो अपने को बिंदु समझेंगे, उस सूर्य की अपने को किरण समझेंगे। हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, और दूसरों को भी किस रूप में देखेंगे? आत्मिक रूप में देखेंगे। ऐसी जिनकी अभ्यास पक्की हुई पड़ी है ऐसी आत्माएं वहां इकट्ठी होती जाएंगी। इकट्ठे होते होते उनकी संख्या हो जाएगी 9 लाख। कितनी? कहावत है भक्ति मार्ग में, 9 लाख सितारे आसमान में हैं, जिनमें से आधे रात में चमकते हैं और आधे दिन में हैं। जो दिन के सितारे हैं वो अपनी रोशनी को सूर्य में मर्ज कर देते हैं,
देखने में आते हैं, हैं? वो नहीं देखने में आते हैं, वो अपनी रोशनी को सूर्य बाप में मर्ज कर देते हैं। जैसे कि अच्छे ब्राह्मण परिवार का कोई बच्चा होगा तो वो माँ बाप को मान्यता देगा या अपने को संसार में मान्यता बढ़ाएगा? माँ बाप को मान्यता देने की प्रयास करेगा। तो ऐसे ज्ञान सूर्य के जो बच्चे हैं, जो अपने अस्तित्व को नहीं सामने रखते हैं संसार के, लेकिन भगवान बाप को प्रत्यक्ष करने के पुरुषार्थ में रहते हैं, ऐसे बच्चे वहां जाकर इकट्ठे होंगे। कितने, संख्या कितनी बताई? 9,00,000 सितारे। वो सितारे हैं आसमान के जड़ सितारे, और ये सितारे हैं धरती के चैतन्य सितारे। ये धरती के चैतन्य सितारे सब भगवान बाप के घर में इकट्ठे होंगे, साकार धाम। साकार होते हुए भी निराकारी स्टेज वालों का धाम। वो निराकार स्टेज प्राप्त करने वालों में जिनकी जिनकी स्टेज संपन्न समझी जाएगी, उनको कहा जाएगा बाहर की दुनिया में जाकर के दूसरे धर्म वालों की सेवा करो। क्या? जो दूसरे धर्म वाले इब्राहिम को इस्लामी अपना बाप समझते हैं, क्राइस्ट को क्रिश्चियन अपना बाप समझते हैं, तो वो तो भगवान को जल्दी नहीं पहचानेंगे, पहचानेंगे? वो जल्दी नहीं पहचानते, तो उनको भी संदेश तो मिलना है भगवान का, वो भी गॉड फादर को तो मानते हैं, तो उनको संदेश देने के लिए वो पावरफुल आत्माएं दुनिया में भेजी जाएंगी। ईश्वरी सेवा करो जाकर के, वो जाकर के सेवाधारी बनेंगे। सेवा करने से दूसरों के संग के रंग में आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? है? संग के रंग में आना पड़ेगा तो उनका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा तो कमजोर बनेंगे या पावरफुल बनेंगे? कमजोर बनते जाते हैं। जब कमजोर हो जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। भगवान बाप फिर उनको बुलाता है, क्या? आओ, अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करके जाओ। ये आत्मा रूपी बैटरी है, ये मोटर है, जो बाहर की दुनिया में जितना चलेगी तो डिस्चार्ज होगी। भगवान के धाम में आकर के फिर से चार्ज हो जाती है। तो ये आना और जाना, आना और जाना चलता ही रहेगा जब तक दुनिया का विनाश हो। और बेसिक और एडवांस है, बेसिक नाम पढ़ा, बेसिक नाम इसलिए पढ़ा कि जो पढ़ाई होती है दुनिया में भी, तो एक होती है बेसिक माने शुरुआत की पढ़ाई। जो शुरुआत की पढ़ाई पढ़े बगैर ऊपर की पढ़ाई समझ में ही नहीं आवेगी। कोई कहे हम काका गाना नहीं पढ़ेंगे, आई ई नहीं पढ़ेंगे, ए बी सी डी नहीं पढ़ेंगे, बाकी ऊपर की सारी पढ़ाई पढ़ेंगे, तो हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जो पढ़ाई अम्मा भी घर बैठ करके थोड़ी बहुत पढ़ा सकती है, वो पढ़ाई कही जाती है बेसिक पढ़ाई। और जो पढ़ाई घर में माँ बैठ करके नहीं पढ़ा सकती है, ऊपर कॉलेज में स्कूल में ही जाना पड़े, महाविद्यालय में ही जाना पड़े, उसको कहते हैं ऊंची पढ़ाई, एडवांस पढ़ाई। तो ईश्वरीय ज्ञान में भी दो वर्ग हैं, एक बेसिक पढ़ाई जो बीके में पढ़ाई जाती है। वो बीके वाले छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, गोद के बच्चे हैं, शिशु हैं, वो अम्मा को ही सब कुछ समझते हैं कि बाप को भी पहचानते हैं? हैं? अम्मा को ही सब कुछ समझते हैं। तो वो कहेंगे अपन को बी के ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमार। अरे भैया, तुम ब्रह्मा कुमार, बड़ी अम्मा कुमार अपन को कहते हो, तुम्हारा बाप भी कोई है कि नहीं है? वो बेचारे जानते ही नहीं। जब वो जानते ही नहीं है तो वो फिर भी अपने को क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमार। लेकिन जो जानकार हैं बाप के, वो कहेंगे नहीं, हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, हमारे माँ और बाप दोनों ही सृष्टि पर मौजूद हैं,
हम दोनों के बच्चे हैं। दुनिया में कोई बच्चा ये कहे कि हमारी अम्मा का नाम हमें मालूम है, अम्मा कुमार हैं, हम अम्मा के बारे में जानते हैं, बाप के बारे में हम नहीं जानते, तो दुनिया अच्छा समझेगी है? क्या समझेगी? नीची नजर से देखेगी या ऊंची नजर से देखेगी? नीची नजर से देखे। अच्छा बाबा, हाँ अच्छा, गुरुवार का दिन तो बेसिक में जो भोग लगाते हैं, हाँ किसको लगाते हैं? किसको लगाते हैं गुरुवार दिन भोग? बता दिया आपको कि जो बेसिक में है छोटे छोटे बच्चे हैं, उन छोटे छोटे बच्चों की बातों को छोड़ दो। जैसे हमने दुनिया वाले भक्तों की बातों को छोड़ दिया, क्योंकि भक्ति मार्ग में जो भी कर्म करते हैं वो सब अंधश्रद्धा पूर्वक करते हैं, बिना जाने बिना पहचाने पूजा करते रहते हैं, उनको ही हमने छोड़ दिया। इन छोटे बच्चों को भी छोड़ दो, काहे के लिए पीछे पड़े। हाँ बॉडी मार्ग है, है? क्या हाँ कौन बोल रहा है? हाथ उठाना जरा। 84 जन्म में क्या क्या पाठ बजाते हैं? है? कौन सा पाठ तो बजाते हैं? आपने भट्टी कब की है? आपने भट्टी कर ली कब? है? आपने भट्टी कर ली ज्ञान की? जो भट्टी यहाँ 7 दिन कराई जाती है, 9 दिन वो कर ली है? मई में कर ली है? कर ली ना। तो जब भट्टी कर ली तो आपको बताया नहीं गया कि आत्मा अगर श्रेष्ठ आत्मा है तो पहले देव आत्मा का पाठ बजाती है। देव आत्मा होते हैं सतयुग त्रेता में, फिर देह के सुख भोगते भोगते देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाती है, आत्मा की बैटरी थोड़ी डिम हो गई, तो द्वापर युग से 8 कलाएं रह जाती हैं आत्मा की, तो वहां मनुष्यों का पाठ बजाते हैं, मनन चिंतन मंथन करते हैं, शास्त्र लिखते हैं। और जब कलयुग शुरू होता है तो आत्मा की कलाएं बिल्कुल डिम हो जाती, तब राक्षसी पाठ शुरू होता है तमो प्रधान होने पर। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो आत्मा भी 4 प्रकार के पाठ बजाती है, विशेष सतयुग में सतो प्रधान बहुत सुखी, 16 कला संपूर्ण सुख, त्रेता में सतो सामान्य रह जाता है, सत्व प्रधानता में नहीं रहता, इसलिए थोड़ा सुख होता है लेकिन दुख नहीं होता। जब द्वापर शुरू होता है तो द्वैतवादी युग शुरू होने के कारण दो दो मतें दुनिया में शुरू हो जाते हैं, दो दो धर्म शुरू हो जाते हैं, द्वैतवादी राज्य शुरू हो जाते हैं, तो दुख की शुरुआत होती है, अति का दुख नहीं होता है। और जब कलयुग होता है तो तमो प्रधानता आ जाती है, जो द्वापर युग की रजो प्रधानता है वो भी खत्म हो जाती, तब बहुत मारा मारी लड़ाइयां दुनिया में चलती रहती है, तब शूद्र बन जाता है। तो जो संपन्न आत्माएं हैं वो 4 स्टेज में स्पष्ट रूप में पाठ बजाती हैं, सतयुग में देवताएं हैं, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य है, और कलयुग में शूद्र बन जाते हैं। उन शूद्रों को फिर से ज्ञान देकर भगवान ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण बनाता है, उन ब्राह्मणों को फिर गहरा ज्ञान दिया जाता है, जो गीता में लिखा है, गीता में लिखा है ना, गुह्यात गुह्य तरम ज्ञानम गुह्यते गुह्य राज सुनाता हूँ। सिर्फ गुह्य राज नहीं सुनाता हूँ, सिर्फ गुह्य राज बीके में सुनाता हूँ छोटे छोटे बच्चों को, फिर गुह्यते भी गुह्य एडवांस में सुनाता हूँ। तो वो गुह्य ज्ञान सुनाने वाला परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के मनुष्य आत्माओं के 84 जन्मों का इशारा दे देता है कि तुम आत्माएं
अपने अपने 84 जन्मों में क्या क्या पार्ट बजावे भी, वो तुमको पता पहले चलेगा, दूसरे किसी को पता नहीं चलेगा। तो ज्ञान की गहराई में जो जितना घुसता जाएगा वो पहचानता जाएगा मेरी आत्मा ने 84 के चक्र में क्या क्या, कब कब, कहाँ कहाँ, किस देश में कैसा पार्ट बजाया, उसी को पता चलेगा, सबको पता नहीं चलेगा। अपनी आत्मा का पार्ट अपने को पहले पता चलेगा या दूसरे को पता चलेगा? अपने को ही पता चलेगा। हाँ जी भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन को सब ज्ञान दिया था। हाँ? भगवान कृष्ण तो अर्जुन को सब ज्ञान दिया था। पहली बात आप गड़बड़ कर गए, भगवान कृष्ण है ही नहीं। अभी अभी आपको बताया भगवान आएगा तो क्या कलयुग पाप युग की स्थापना करके जाएगा? महाभारत में लिखा हुआ तो लिखा किसने? भगवान ने ऊपर से लिखा, वो टपक पड़ा नीचे, या मनुष्य गुरुओं ने लिखा? किसने लिखा? मनुष्य गुरु। मनुष्य गुरु मनुष्य विकारी होते हैं या निर्विकारी देवता होते हैं? कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी विकारी देवता होते हैं। तो जिनकी बुद्धि विकारी है, जो गुमूत से पैदा होते हैं, वो शास्त्रों में गुमूत भर देंगे कि नहीं भर देंगे? वो ही गुमूत की बातें भर देंगे। इसलिए वो बातें खत्म करिए, एक बार में एक बात को समझ लीजिए, अभी टाइम ही नहीं रहा ज्यादा गहराई से बार बार समझने का, सन गुजराने से नहीं चलेगा। अभी अभी आपने सुन लिया गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, तो पक्का कर दीजिए, आपके पास टाइम ही ज्यादा नहीं है। 70-71 साल हो गए भगवान की सृष्टि पर आए समझाते समझाते। हाँ अमरनाथ, हाँ अमरनाथ कहते हैं ये सब आत्मा सर्व छोड़ेंगे, वो देखेंगे, वो सर्व छोड़ेंगे, कोई देखेंगे क्या, कोई आत्मा नहीं देखेंगे वो कह रहे हैं। हाँ जिसको अमरनाथ संगम पर होगा वो कह रहे हैं, जब जब विनाश होगा सारा दुनिया शरीर छोड़ेगा। हाँ शिव बाबा देखेगा, शंकर सबको देखेंगे, लेकिन जब दुनिया का विनाश होगा तो शिव बाबा देखेगा, शंकर सबको देखेंगे शरीर छोड़ने के लिए, ठीक है, लेकिन वो जब शरीर छोड़ेंगे हाँ कोई नहीं देखेगा। इसीलिए तो उसका बाप कोई नहीं जानता कि उसका बाप कौन है, उसको अमर कहते हैं, वो मरता ही नहीं। दुनिया उसको अमरनाथ क्यों कहती है, उसको मरते हुए कोई ने देखा ही नहीं। जब सृष्टि का विनाश हुआ तो सबको मरते हुए उसने देखा, शरीर छोड़ते हुए देखा, लेकिन उसको शरीर छोड़ते हुए कोई ने देखा ही नहीं, इसीलिए तो वो अमरनाथ है। संगम पर ही होगा, और क्या, सत्युग में होता है, हाँ सत्युग में विनाश होता है नहीं होता है? हाँ आहार निद्रा मृत्यु में ऊपर कैसे विजय, आत्मा बन जाओ, देह खाती है, देह होगी, आत्मा देह धारण करेगी तब खाएगी, नींद करेगी, मैथुन करेगी कि बिना देह के आत्मा मैथुन करेगी, हैं? क्या करेंगे फिर आप, हैं? स्टार को याद करो, मैं आत्मा स्टार हूँ, ये देह तो विनाशी है, इसको याद नहीं करना, विनाशी चीज को याद करेंगे तो बुद्धि विनाशी बनेगी। हम मन बुद्धि रूपी आत्मा हैं, ये पक्का करो, जब ये पक्का हो जाएगा 24 घंटे आत्मिक स्मृति रहेगी तो भोजन की भी दरकार नहीं रहेगी, थकान भी नहीं होगी, जो आपको निद्रा की जरूरत हो। अब मैथन वैथन ये तो गुमूत दिखाई पड़ेगा, ससरे रमण पड़े रखड़े पड़े हैं। अज्ञानी भाई ने पूछा तो युग बाद में तो द्वापर होना चाहिए, तो त्रेता नाम दिया था। त्रेता में 13 जन्म होते हैं, इसलिए उसको नाम दिया है त्रेता युग, और सतयुग में जो 8 सच्ची आत्माएं हैं उन आत्माओं का राज्य चलता है, इसलिए उसको सत्ययुग कहते हैं। अष्टदेव हैं जो सजाएं नहीं खाते, जरूर सच्चे हैं तब सजाएं नहीं खाते,
बाकी सारी दुनिया में हर मनुष्य आत्मा झूठा कार्य करती है, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। रावण के पूरे प्रभाव में जन्म जन्मांतर आते रहते हैं, इसलिए झूठा कार्य करते हैं। इसलिए सतयुग को सत्य युग कहते हैं। उस युग की स्थापना उन आठ सत्यों के सहयोग से परमपिता परमात्मा करते हैं। उन आठ की माला को शंकर के सर के ऊपर रखा जाता है। वो शिव शंकर भोलेनाथ उन बच्चों का भी एहसान मानता है, इसलिए उनको सर के ऊपर विराजमान करता है। क्या एहसान मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? भगवान भी एहसानमंद बनता है उन बच्चों के, क्योंकि सच्चे हैं, उनके सहयोग से सत्यखंड स्थापन होता है। भगवान आकर के सत्ययुग स्थापन करता है, दो कला कम त्रेता की स्थापना नहीं करता। और है वैष्णवी देवी जब आएगी तो जो विष्णु देवता का स्वरूप है वैष्णवी देवी, वो नारकीय संगठन वालों के बीच में आवेगी या स्वर्गीय संगठन वालों के बीच में आवेगी? विष्णु स्वर्ग में होता है या नरक में होता है? कहाँ होता है? तो फिर माने वो जिस संगठन में आवेगी, जो ब्राह्मणों का संगठन पहली पारिवारिक इकाई होगी सतयुग की, उस पारिवारिक इकाई में स्वस्थिति में रहने वाली आत्माएं होंगी। उन स्वस्थिति में रहने वाली आत्माओं के बीच में ही विष्णु होगा, उसका नाम ही है विष्णु। नो विषय काल, विषय विकार का नाम निशान नहीं। और है बड़ी माँ पहले यज्ञ के शुरुआत में बाप उनके साथ संबंध जुड़ते हैं। यज्ञ के शुरुआत में बड़ी माँ के साथ बाप संबंध जुड़ते हैं। फिर जब यज्ञ खत्म होता है, जो संगम जो होता है उसी टाइम में संगम स्वर्ग, उसी में फिर लक्ष्मी के साथ संबंध जुड़ते हैं। मुरली में बोला 1968 मुरली में बोला बाप एक के साथ ही संबंध जुड़ते हैं। कौन से बाप की बात कर रहे हैं आप, जो एक के ही साथ संबंध जोड़ता है? बाप दो हैं बेहद के, देहधारियों का बाप, लौकिक देहों का बाप अलग, और आत्माओं के बाप अलग, और सारी मनुष्य सृष्टि की जो आत्माएं हैं उनका बाप अलग। आप कौन से बाप की बात कर रहे हैं? बोला है बाप। हाँ बाप तो, लेकिन कौन से बाप की बात कर रहे हैं? एक है सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, जो सारी मनुष्य सृष्टि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब उसे बाप मानते हैं। एडम, आदम, आदिनाथ, आदिदेव। हाँ निराकार बाप के बारे में, निराकार बाप के बारे में बोल रहे हैं। हाँ निराकार बाप के बारे में बोल रहे हैं। साकार में निराकार, साकार में जो आता है वो निराकार एक ही है ना? जिस साकार में आता है वो भी तो सदैव निराकार नहीं है, थोड़े समय के लिए ही तो निराकार बनता है। तो आप निराकार के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ बताओ क्या बात कर रहे हैं? मूल में तो इसे बोला है बाप 1968 जुलाई 2 तारीख दिया है। अरे तारीख है छोड़ो। हाँ बोला है। हाँ बाप एक आकर के एक के साथ संबंध जोड़ते हैं। बाप आकर के एक के साथ संबंध जोड़ते हैं, वो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। जिस मुकर्रर रथ में आकर के, मुकर्रर शरीर में आकर के
सुप्रीम सोल बाप शिव प्रवेश करके उसको माँ बनाते हैं। ज्ञान का बीजारोपण करते हैं, जो मनुष्य गुरुओं ने भी गीता में लिखा है, अहम बीज प्रदप पिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूं। तो वो सुप्रीम सोल बाप किसमें प्रवेश करके ज्ञान का बीज बोता है? प्रजापिता में, आदम में, एडम में, हिंदुओं में जिसे आदिदेव शंकर कहा जाता है, जैनियों में जिसे आदिनाथ कहा जाता है, जिसकी विग्रह मूर्तियां, नग्न मूर्तियां सारे संसार में मिली है, उससे ज्यादा मूर्तियां किसी देवता की नहीं मिली, उस एक के साथ ही सारे संबंध जोड़ता है पहले, वो सुप्रीम सोल, वो मुकर्रर रथ है। और बच्चों में भी प्रवेश करता है, जो रुद्रमाला कही जाती है, रुद्राक्ष के मण के प्रसिद्ध हैं यादगार में, उन रुद्राक्ष के मणकों में भी मुख बने होते हैं, उन मणकों में एक मुख वाला एक ही होता है और बाकी सब अनेक मुखों वाले होते हैं, माने उन अनेक मुख वालों में शिव भी प्रवेश करता है और दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं भी प्रवेश करके अपना पार्ट बजा लेती हैं। लेकिन एक मण का ऐसा है जिसमें सिर्फ एक शिव ही प्रवेश करता है और कोई प्रवेश नहीं कर सकता, वही तो संबंध है। अम्मा में बाप प्रवेश करता है तो संबंध जुड़ा कि नहीं इंद्रियों से? अरे तो पहला संबंध तो माँ बाप का होता है ना, तो हुआ वो, तो पहला संबंध तो हुआ, हुआ हो गया आखिर में, जो जब तो जो आदि सो अंत संगम युग स्वर्ग जब होता है, जब संगम युग स्वर्ग होता है तब भी इस सृष्टि पर आकर के महाकाली का जब तक पार्ट संपन्न नहीं होगा तब तक 500 करोड़ की जो साकार सृष्टि है वो खलास नहीं हो सकती। उसको भी अंत में पार्ट बजाना है, वो अलग नहीं है, वो महालक्ष्मी भी बनती है, लक्ष्मी भी है तो महालक्ष्मी भी है। हाँ इतना अंतर है कि जो महालक्ष्मी का पार्ट है जगदम्बा का, वो जगदम्बा संपूर्ण 100% लक्ष्य को प्राप्त नहीं करती, वो नारी से जगदम्बा बनती है, लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं बनती। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। और जो भी आत्मा होंगे उनका जो स्मृति है, जो स्मृति है जो स्वर्ग में थे उसका स्मृति रहेगा ना चला जाएगा? दुनिया में भी ऐसा होता है, किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, फट जाए, हॉस्पिटल में पड़ा रहे, उसकी स्मृति चली जाती है। बड़ा एक्सीडेंट होता है तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना, वो तो सामान्य एक्सीडेंट है। और दुनिया का आधा विनाश हो जाएगा, उस समय तो दुनिया में 10 करोड़ मनुष्य आत्माएं होती हैं देव आत्माओं के रूप में, और उस समय वो देह की स्मृति में आ जाती हैं अचानक, देह के संबंध है और पतन के संबंध में आ जाती है, तो एकदम विस्फोट होता है, उसमें आधे ही रह जाते हैं, बाकी सबको शरीर छोड़ना पड़ता है अचानक।
तो भूत प्रेत बनेंगे कि नहीं बनेंगे? वो भूत प्रेतों की दुनिया ही शुरू हो गई। तो जब आधा विनाश हो गया दुनिया का, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो विस्मृति नहीं होगी? अरे जो बच्चे हैं उनको कुछ नुकसान होगा कि नहीं होगा? उनको नुकसान नहीं होगा, उनको चोट चपेट बिल्कुल नहीं लगेगी? अरे बड़ा भूकंप आया है तो कोई बच जाएगा क्या उसमें? कोई नहीं बचता है, सबकी स्मृति खलास। जिस व्यास के बारे में ज्ञान है वो व्यास की भी स्मृति खलास हो जाती है, उसको कुछ भी स्मृति नहीं रहती कि देवताओं का युग सत्युग त्रेता था। हाँ सत्युग त्रेता में आत्मा को ये स्मृति रहता है हम सत्युग में है या त्रेता में है? कोई ज्ञान की स्मृति नहीं, तीन कालों का कोई ज्ञान नहीं रहता, बस मैं आत्मा हूँ, ज्योतिबिंदु हूँ, स्टार हूँ। उसी स्मृति में सुख भोगते रहो, आत्मिक सुख। जब त्रेता लास्ट अंत होता तब वो आत्मिक स्मृति खत्म हो जाती है, देह के सुख शुरू हो जाते हैं। आत्मिक स्मृति खलास तो आत्मा का सुख भी खलास, देह की स्मृति शुरू तो देह के सुख शुरू अल्पकाल के। देवताएं तो 24 घंटे आनंद में रहते हैं, उनकी रात ही नहीं होती जो सोने की जरूरत पड़े, थक जाएं। और बाबा तिरुमूर्ति से क्या जाएंगे? हाँ पूरी बात बोलो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? किसका? त्रिमूर्ति शिव जयंती। त्रिमूर्ति शिव जयंती माने तीन मूर्तियों की कल्याणकारी जन्म दिवस संसार में प्रत्यक्ष हो जाए। जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उस बच्चे की जन्म लेने वाली जो मूर्ति है वो सारे संसार को माननी पड़ती है कि इस घर में, इस कुल में, इस गांव में, इस जनपद में इस बच्चे ने जन्म लिया, ये मूर्ति आई। ऐसे ही सारे संसार में हर मनुष्य मात्र को ये मानना पड़े कि भगवान शिव निराकार की तीन साकार मूर्तियां भारत में प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले चुके, जिनकी यादगार आज भी झंडे के रूप में कायम है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अरे क्या कपड़े का झंडा, तीन कपड़े कहीं विजय विश्व करते हैं? कपड़ा किसको कहा जाता है? शरीर को कहा जाता है। ये शरीर रूपी तीन प्रकार का पार्ट बजाने वाले कपड़े हैं। एक है क्रांतिकारी पार्ट बजाने वाला लाल, एक है सफेद कपड़ा विष्णु सत्व प्रधान, एक है हरा कपड़ा गायन है, श्रावण के अंधे को हरा ही हरा सूझता है ब्रह्मा। जिंदगी में स्वर्ग ही स्वर्ग चिल्लाते रहे, राम राज्य गांधी जी की तरह। गांधी जी क्या चिल्लाते रहे? स्वतंत्रता लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, राम राज्य। क्या हो गया? और ही रावण राज्य हो गया। फिर वही ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ने के बाद जब सूक्ष्म शरीर धारण करती है तो वही शीतल पार्ट बजाने वाला ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जब शंकर के मस्तक पर सुशोभित होता है, शंकर वाली आत्मा समझ लेती है कि यही आत्मा सत्युग में मेरा पहला बच्चा, पहला पत्ता सृष्टि का बनने वाली है, तो उस बच्चे को सर माथे पर धारण करती है और उस बच्चे का नाम रोशन करने के लिए बाप अपनी सारी ताकत लगाता है। हर एक बाप अपने बच्चे का नाम बाला करना चाहता है,
बाप का काम है बच्चे को आप समान बनाना। तो आप समान बनाने के लिए जब सारी ताकत लगाई जाएगी तो बनेगा या नहीं बनेगा? वो ब्रह्मा बच्चा जिसकी संसार में पूजा नहीं होती, जिसके बच्चों ने उसका नाम रोशन करने के बजाय मिट्टी में मिला दिया, उसी ब्रह्मा को जिसने अपने बच्चों का जीवन भर सहन किया, कभी उनको तुस आंख से नहीं देखा, एक भी बच्चा नहीं कह सकता कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दुख दिया, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को भगवान बाप शंकर के द्वारा आप समान जब तक नहीं बना लेता तब तक जिंदगी में चैन नहीं। तो दोनों आत्माएं समान हो जाती है, जैसे राम वाली आत्मा नर से नारायण बनती है, वैसे कृष्ण वाली आत्मा भी ब्रह्मा सत्युग में नारायण 16 कला संपूर्ण बनती है। तो दोनों समान हो गई, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है स्वभाव संस्कार का वो विष्णु कहा जाता है। इसलिए तीन मूर्तियां गायी हुई हैं, वो तीनों मूर्तियां अभी संसार में प्रत्यक्ष होने वाली है। एक है ब्रह्मा माने बड़ी माँ माने जगदम्बा। बड़ी माने कौन? बड़ी माँ सारे जगत की अम्बा, देवताओं की अम्बा नहीं, सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों की अम्बा नहीं, किसकी अम्बा? इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन सब धर्म वाले आकर के दिल्ली की गोद में राज करेंगे, ऐसी अम्बा जिसके लिए बोला है वाणी में दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली के ऊपर सारे भारत का मदार है। इसलिए कहते हैं कि घर की धरित्री, घर की धरणी, घर को संभालने वाली गृहिणी अगर अच्छी हो तो घर क्या बन जाए? स्वर्ग बन जाए। तो जगत पिता के लिए जगदम्बा क्या है? घर की धरित्री है, धरणी है, उसका सुधार पहले चाहिए। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन वही ब्रह्मा चंद्रमा ज्ञान चंद्रमा की आत्मा जिसने सदैव शीतल ज्ञान प्रकाश ही दिया बच्चों को, कभी तुर्स रोशनी नहीं दी सूर्य की तरह, वही ब्रह्मा की सोल जगदम्बा में प्रवेश करती है, महाकाली का रूप धारण करती है। इसलिए महाकाली को मस्तक में क्या दिखाते हैं? चंद्रमा दिखाते हैं। वो ब्रह्मा का संपन्न रूप है, भले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है लेकिन जगदम्बा की महाकाली की पूजा होती है। तो तीन मूर्तियां हैं, जगदम्बा, विष्णु और शंकर। ये तीनों मूर्तियां संसार में प्रत्यक्ष हो जाएंगी, जैसे बच्चा जन्म लेने के बाद पहले गुप्त था फिर प्रत्यक्ष हो गया। सारी दुनिया को मानना पड़े कि बच्चा जन्म लिया, ऐसे ही वो त्रिमूर्ति शिव अभी भले गुप्त है लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा कि सारी दुनिया में वो तीनों आत्माएं क्या होगा, जो देखे, जो संपर्क में आवे, जो संसर्ग में आवे, जो सुने, वो मानने के लिए मजबूर हो जाए कि ये तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष हैं, यही त्रिमूर्ति शिव है। ओम शांति।